स्वयं पर विश्वास रखें, हिंदी मोटिवेशनल कहानी। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वे स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं, और फिर उन्हें लगता है अब तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों में आत्मविश्वास जगाती है और बताती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी कहानियाँ मौजूद है जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे तब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर दे दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूँ। ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे रास्ते में एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे। संतरे वाला पत्थर की सुंदरता रंगों को देख कहता है, तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले जाओ। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वे आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक सब्जी वाला दिखता है। सब्जी वाले से पूछता है, इस लाल रंग के पत्थर में कितने में खरीदोगे। सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है, तुम्हें इस पत्थर के बदले में एक बोरा आलू दे सकता हूँ, बताओ बेचोगे इस पत्थर को। व्यक्ति कहता है, नहीं मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान चला जाता है। सोनार के दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए हैं। वह व्यक्ति अब उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है, इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे। सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है, अंत में कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सोनार को लगता है शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है, मैं इस पत्थर को बेचना नहीं चाहता। सोनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति एक हीरे की दुकान में घुसता है, जहाँ पर बहुत कीमती रत्न पड़े हुए हैं। व्यक्ति हीरे की दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांच करता है। अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है, इसकी कीमत क्या है। तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिसे दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति अचंभित हो जाता है और सीधे ईश्वर के पास जाता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है, ईश्वर अब तो बताइए मेरे जीवन की कीमत क्या है। तब ईश्वर कहते हैं, संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले, हीरे वाले,
सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न हो। जिस तरह सब ने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली है, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए मामूली इंसान भी, भले ही तुम कितना ही हुनर क्यों न रखते हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं हो तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस खुद पर विश्वास होता है वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी के तरह उसकी कीमत लोगों को समझ में आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।